मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। कल मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन के नज़दीक सुन्नी जामा मस्जिद के पास हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई थी, मगर अब इस भीड़ को उकसाने के मामले में विनय दुबे पर एफआईआर दर्ज किया गया है और नवी मुंबई से विनय दुबे को हिरासत में लिया गया है। आपको बता दें कि विनय दुबे उत्तर भारतीय महापंचायत एनजीओ चलाता है और कल जो बांद्रा में हजारों की संख्या में वर्कर्स भीड़ इकट्ठा हो गई थी, उस भीड़ से विनय दुबे का चेहरा निकलकर सामने आया है। विनय दुबे पर आरोप है कि फेसबुक लाइव के जरिए मजदूरों को एकजुट होने के लिए उकसाया है। 14 अप्रैल को लॉकडाउन खत्म होगा और अलग अलग जगहों से बसें चलाई जाएंगी जो निशुल्क उन्हें उनके गांव तक पहुंचाएंगी। और आपको बता दें कि बांद्रा सुन्नी जामा मस्जिद के पीछे ही स्लम कॉलोनियां हैं जहां यूपी बिहार बंगाल के लोग रहते हैं। ऐसे में कल बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होकर गांव जाने की तैयारी में रोड पर आ गए, जो पुलिस के लिए सबसे बड़ा सरदर्द बन गया। लेकिन पुलिस ने इन्हें लाठी चार्ज कर वहां से भगा दिया। सबसे पहले सुनते हैं कि विनय दुबे ने फेसबुक लाइव के जरिए क्या कहा था और उसके बाद आपको डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे का बयान सुनाते हैं। और लॉकडाउन की वजह से जो फंस चुके हैं उनको वापस अपने गांव तक, अपने घरों तक भेजने के लिए मेरी टीम ने, हम लोगों ने एक सुविधा का बंदोबस्त किया है, उपलब्धता की है। 14 तारीख को अगर लॉकडाउन खत्म होता है उसके बाद 15 तारीख को सवेरे मुंबई से, मुंबई के अलग अलग ठिकानों से करीबन 40 बसेस हमने अरेंज की है जो इन मजदूरों को यहां से ले जाके अपने अपने राज्यों में इसे छोड़ेंगे। और ये पूरी जो सुविधा है इन मजदूरों से कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा कि आगामी 18 अप्रैल तक जितने भी मजदूर मुंबई महाराष्ट्र में फंसे हैं वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोकमान्य तिलक टर्मिनस तक पहुंचे, वहां पे जमा हो, वहां पे आए। बांद्रा स्टेशन पे हुई वारदात में मुंबई पुलिस ने बांद्रा पुलिस स्टेशन में अभी तक 3 अलग अलग ऑफेंसेस रजिस्टर किए हैं। जो भी वीडियो और वहां पे जो जानकारी सामने आई है उसके बारे में पुलिस और तहकीकात कर रही है और डिटेल इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अभी तक इसमें से 3 में से एक ऑफेंस में विनय दुबे नामक आरोपी को हमने अरेस्ट किया है और उसकी 21 तारीख तक माननीय न्यायालय ने हमें हिरासत दी है और आगे की जांच इसमें चल रही है। यही वो वीडियो है जिसके जरिए विनय दुबे पर आरोप लगा है। बहरहाल इस पूरे मामले में पुलिस ने 3 एफआईआर दर्ज की है। पहला एफआईआर करीब 1000 अज्ञात लोगों पर और दूसरा एफआईआर विनय दुबे पर और तीसरा एफआईआर एक लोकल रिपोर्टर पर दर्ज किया गया है। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।